नमस्कार। हेलो दोस्तों, जैसे कि होली आने वाली है तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली इन एडवांस। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली के बहुत ही ब्यूटीफुल ऑसम हैक्स, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मौज मस्ती से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को खूब रंग लगाते हैं, एक दूसरे को पानी से भिगो देते हैं, घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, और अपने बालों का, अपने कपड़ों का, अपने स्किन की परवाह किए बिना बहुत सारा रंग एक दूसरे को लगाते हैं। मतलब कितनी जमकर होली खेली जाती है, ये चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, होली जमकर खेलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपने बाल का, अपने स्किन का थोड़ा सा ख्याल रख लें तो होली का जो मजा होता है ना, वो और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर होली खेलते समय ऐसे केमिकल वाले हार्मफुल कलर्स हमारे स्किन में लग जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं, जिनको ठीक करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है और कई बार तो काफी टाइम लग जाता है इन्हें ठीक करने में। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है अगर हम होली खेलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें, जैसे कि होली के दिन अगर कोई केमिकल वाला हार्मफुल कलर हमारी स्किन में लग जाए तो उसका हमारी स्किन में कोई नुकसान ना पहुंचे, होली काफी मजेदार और सुरक्षित रहे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, होली वाले दिन एक दूसरे को भर भर के रंग लगाने का काम तो इन हाथों का ही होता है, जिससे रंग भर भर के हमारे नखूनों के अंदर, बाहर, कोनों को में सब जगह से चला जाता है और इन्हें छुड़ाने में काफी दिन लग जाते हैं, नेल्स इससे खराब हो सकते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए आप क्या करें दोस्तों, होली से एक दिन पहले, खासकर रात को सोने से पहले, आप अपने नेल्स में कोई भी डार्क कलर का नेल पेंट अपने नेल्स में अप्लाई कीजिए। और अगर नेल बड़े हैं और अगर नेल्स बड़े हैं तो अंदर की साइड भी नेल पेंट लगा लें, क्योंकि रंग अंदर नखूनों की साइड सबसे ज्यादा जाता है। और नेल पेंट सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट अपने नेल में अप्लाई कीजिए। ऐसा करने से नेल पेंट काफी लंबे समय तक टिका रहता है, जल्दी उतरती नहीं है नेल पेंट। और फिर नेक्स्ट डे आप अपने नेल्स में क्यूटिकल्स में वैसलीन या कोकोनट ऑयल से एक दो मिनट तक मसाज कर लीजिए, इससे आपके नखून खराब नहीं होंगे। होली खेलते समय कम से कम मेकअप करें, ज्यादा मेकअप ना करें, हो सके तो चेहरे में तेल ना लगाएं, क्योंकि तेल लगाने से चेहरा चिपचिपा और डल लग सकता है। तो इन सब चीजों की बजाय अगर आप थोड़ी सी मॉइस्चराइजर क्रीम में थोड़ा एलोवेरा जेल, थोड़ा सनस्क्रीन मिक्स करके अपने फेस पर लगाते हैं तो इससे आपका चेहरा मॉइस्चराइज रहेगा, धूप से और टैनिंग से बचा रहेगा, आपकी स्किन की भारी लेयर्स प्रोटेक्टेड रहेंगी और हार्मफुल केमिकल वाले जो कलर्स होते हैं वो डायरेक्ट आपकी स्किन में नहीं जाएगा। अपने होठों को रंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेल या फिर लिप बाम जरूर लगाएं। बालों को खुला ना छोड़े, होली खेलने से एक घंटा पहले आप अपने बालों को रंगों से बचाने के लिए बालों में, जड़ों में गोले का या जैतून का तेल लगा लें, बालों को टाई करें, ब्रेड बना लें या फिर एक टाइट हाई बन बना लें, अच्छे से यू पिन या बॉबी पिन से अपने बालों को सिक्योर कर लें ताकि बाल बिल्कुल भी खुले ना, ये आपको एक स्टाइलिश लुक भी देगा। होली खेलने से पहले आपने पूरे हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी में आप सरसों का तेल लगा लीजिए, ये थोड़ा सा थिक होता है, या फिर आप नारियल के तेल में कैस्टर मिक्स करके लगा लीजिए। और ये तेल लगाना नहीं चाहते तो आप मॉइस्चराइजर क्रीम और थोड़ा सा सनस्क्रीन लोशन मिक्स करके आपने पूरी बॉडी में लगा लीजिए। ये थोड़ा मोटा होता है तो इसकी मोटी लेयर आपकी स्किन में लगेगी तो रंगों से आपकी स्किन डैमेज होने से बचेगी, इसकी मोटी लेयर से आपकी जो बाहरी लेयर होती है स्किन की वो प्रोटेक्टेड रहेगी। फ्रेंड्स, होली खेलने से पहले आप उन कपड़ों को पहले ही निकाल लीजिए जिन्हें आप नहाने के बाद पहनेंगे, क्योंकि होता क्या है जब भी हम होली खेलकर आते हैं तो हमारे हाथ और हमारे जो कपड़े होते हैं पूरे रंगों से सने हुए होते हैं, तो ऐसी हालत में अगर हम कपड़े निकालते हैं तो बाकी कपड़ों में भी रंग लगने का डर रहता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने कपड़ों को पहले ही निकाल कर रख लीजिए ताकि आप वहां से जब भी होली खेल कर आए तो ईजिली अपने कपड़ों को निकाल कर पहन सकें। फ्रेंड्स, होली खेलने से पहले ही आपको एक फेस पैक रेडी करके रखना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसन, एक चुटकी हल्दी और दही को मिक्स करके एक फेस पैक रेडी कर लीजिए, ताकि जब भी आप होली खेल कर आए तो आपको फेस पैक बनाने का कोई आलस नहीं रहेगा और आपके जो फेस में रंग लगा है उसको पहले आप धो लीजिए पानी से, फेस वॉश से अच्छे से, और उसके बाद जैसे कभी जिद्दी कलर होता है जो छूटता नहीं है और कलर लगने के बाद जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा फेस पैक है, आप इसको लगा लीजिए, आपका जो जिद्दी कलर है वो भी निकलेगा और आपका स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगा। फ्रेंड्स, हो सके तो होली खेलने से पहले आप ठीक ठाक से पुराने कपड़े पहने और हो सके तो फुल स्लीव्स के ही कपड़े हों ताकि आपकी स्किन जो है ज्यादा से ज्यादा रंगों से और धूप से बची रहे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि होली के दिन हमारे हाथ, हमारे कपड़े सभी रंगों से भरे होते हैं, ऐसे में जब कोई मेहमान या दोस्त लोग हमारे घर आते हैं तो उन्हें हम जब कोई चीज खाने को देते हैं या खुद खाते हैं तो अक्सर
हम उन्हीं रंग लगे हाथों से खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप खाने की जो चीज़ें हैं जैसे रसगुल्ले पकौड़े जैसी चीज़ें हो गई, इन सब में आप टूथपिक लगा दीजिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इससे आपकी बॉडी में खाने के जरिए जो रंग चला जाता है उससे आप बचोगे और जो बाकी की बची चीज़ें खाने की उसमें भी रंग नहीं लगेगा। होली वाले दिन नशा बिल्कुल मत कीजिए, हो सके तो बिल्कुल नशे से दूर रहिए। होली हमेशा होश हवास में खेलिए, इससे आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता रहता है। दोस्तों अगर आपको होली खेलने से डर लगता है, आपको होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप घर से बाहर मत निकलिए, या फिर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी जगह फंस गए दोस्तों के बीच में, या फिर दोस्त आपके घर में आ गए उन्होंने आपको पकड़ लिया है, देख लिया कि आपको रंग लगाने आ रहे हैं, तो आप मुझे लगता है कि आपको उनको समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को, या फिर सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आपको सलीके से रंग लगाएंगे, अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे या उससे बचेंगे तो ऐसे में बीच बचाव के चक्कर में जोर जबरदस्ती से जब रंग लगता है तो आंखों में लग सकता है आपके रंग, मुंह में लग जा सकता है रंग, नाक में जा सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, तो इन सब से बचने के लिए मुझे लगता है आपको उन्हें रंग आराम से लगाने देना चाहिए। दोस्तों रंगों से आंखों को बचाने के लिए ग्लासेस जरूर वेयर कीजिए, इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। और अगर रंग चला जाए तो तुरंत आंखों को पानी से अच्छे से धो लीजिए, और अगर आप आंखों में लेंस लगाते हैं तो उसे मत लगाइए। दोस्तों होली वाले दिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आप जबरदस्ती किसी की भी रंग मत लगाइए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हम उम्र हो, या कोई भी जीव जंतु हो, उन्हें रंग बिल्कुल भी मत लगाइए। हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो या फिर उनको रंगों से एलर्जी होती हो। दोस्तों होली खेलते समय घर का एक बड़ा जना बच्चों के साथ जरूर रहे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, उन्हें सिर्फ होली खेलने से मतलब होता है, और वो कितना रंग एक दूसरे को लगा दें या पानी एक दूसरे को भिगो दें इस बात को उन्हें नहीं पता रहता। तो इसलिए बच्चों के साथ एक जना जरूर रहे, बच्चे आपकी निगरानी में रहे, ऐसी जगह उन्हें होली खेलने के लिए बोलें। दोस्तों होली वाले दिन घर से बाहर कम ही निकले, और अगर जाना भी पड़े तो किसी के साथ जाएं, सुनसान गली से ना जाएं। और होली वाले दिन अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह हुड़दंगी दिख जाते हैं, अगर कहीं हुड़दंगी दिखे तो रास्ता बदल दें और चहल पहल वाली जगह से ही जाएं। दोस्तों होली की मौज मस्ती में कई बार लड़ाई झगड़ा देखने को भी मिल जाता है, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि भाईचारे का पर्व है, इसलिए मिलजुल कर होली खेलें। दोस्तों होली खेलने के बाद जो हमारे बालों में रंग लगा होता है ना, उसको हम जब शैम्पू से धोते हैं 2-3 बारी, तो बाल हमारे इतने ड्राई हो जाते हैं, कभी कभी तो इतने ड्राई हो जाते हैं कि उसके बाद हमें कोई हेयर मास्क लगाना पड़ता है। तो अगर आप हेयर मास्क लगाने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको शैम्पू करने के बाद कोई हेयर मास्क लगाना ना पड़े, आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की बन जाए, तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक बोल लीजिए, उसमें डालिए जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो उसमें डालिए, उसमें डाल दीजिए एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल आपको पता है बालों के लिए कितना अच्छा होता है, बालों को एकदम शाइन ला देता है, सिल्की बना देता है, स्मूथ बना देता है। तो इसके बाद ना आपको कोई भी हेयर मास्क लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बालों को बिल्कुल सिल्की कर देगा, बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी, और इसमें डाल दीजिए पानी में इसलिए डाल रही हूँ, शैम्पू को हमेशा पानी से डाइल्यूट करके आपको अपने बालों में लगाना चाहिए, इससे आपके बालों में ना डायरेक्ट वो केमिकल नहीं लगेगा। तो इसे अपने बालों में लगा लीजिए और पानी से अच्छे से बालों को धो लीजिए। इसे लगाने के बाद आपके बाल इतने स्मूथ, इतने सिल्की हो जाएंगे कि इसके बाद आपको कोई हेयर मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे मेरे अमेजिंग हैक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सी भी हेल्पफुल रही हो, कोई भी पार्ट आपको इसमें अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो सके। दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा हैक या कौन सी बात आपको अच्छी लगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।